1979 की फिल्म नूरी तो आपने देखी होगी, तो आपको याद होगी वो खूबसूरत सी एक्ट्रेस जो नूरी बनी थी, जिन्होंने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया था, इतना कि ये सबकी फेवरेट बन गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नूरी फिल्म की ये नूरी आज कहाँ है, किस हाल में और कैसी जिंदगी जी रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको इनके आज के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए आपको इनके बदलते हुए रंग रूप के साथ साथ इनकी चल रही कंडीशन के बारे में बताते हैं, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म नूरी में नूरी बनी एक्ट्रेस का असली नाम पूनम ढिल्लो है, जिनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो बचपन से एक्टिंग में काफ़ी रुचि होने के चलते इन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाना जरूरी समझा था, मगर एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले ही इन्हें अपनी पहली प्रसिद्धि तब मिली जब इन्हें 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया 1978 का ताज पहनाया गया था, और ये उसी वक्त निर्देशक यश चोपड़ा की नज़रों में आ गई थी, जिन्होंने इनकी खूबसूरती को देखकर इन्हें अपनी पहली फिल्म त्रिशूल में काम करने का सुनहरा मौका दिया था, और अपनी पहली फिल्म से ये खूब लोकप्रिय हो गई थी। और फिर इसके बाद इन्हें काला पत्थर, लाल गुलाब और मैं और मेरा हाथ, ये सही ढेर सारी फिल्में ऑफर हुई थी, और इन फिल्मों में इनकी क्यूटनेस और चंचलता दर्शकों को इतनी लुभा गई कि ये बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके बदलते हुए लुक की, तो आपको बता दें कि जहाँ इस फिल्म में ये कश्मीरी लिबास में सर पर दुपट्टा बांधे, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने, काफ़ी सुंदर, खूबसूरत और प्यारी नज़र आई थी, और अपने खिलखिलाते गोलमटोल चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए काफ़ी नौजवान और खूबसूरत नजर आई थी, तो वहीं आज ये अपनी 60 साल की उम्र में मॉडर्न फैंसी कपड़े और सूट साड़ी पहने हुए, पहले के मुताबिक थोड़ी सी मोटी पर बहुत गोरी चुटी और फेस पर झोलियाँ आने के चलते ये थोड़ी सी उम्रदराज दिखाई देने लगी हैं। पर अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इनका तलाक फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया के साथ हो चुका है, जिनसे इन्हें दो बच्चे अनमोल और पालोमा हैं, और आज ये अपने इन्हीं बच्चों के सहारे बुढ़ापे में मुंबई में जिंदगी जी रही हैं, जो आखिरी बार हमें 2020 में आई फिल्म जय मम्मी दी में नजर आई थी। वेल दोस्तों, आपको एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो पहले अच्छी लगती थी, आप लगती हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।